यस हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आप सभी का स्वागत है इंजीनियर सर ट्वेंटी फोर्ट सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज मजा बहुत आने वाला है यार क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं ना कि आज हम बेसिकली करने वाले हैं क्या कि पूरा का पूरा एशिया घूमने वाले हैं तो बताओ यार एशिया घूमें क्या आज आज जितने भी कंट्रीज हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान एशिया में एफ क्या एशिया बोल रहे है अफ्रीका नहीं आज एशिया ही है इंडिया जितने भी चीज़ हैं सबको क्लियर कट डिस्क्रिप्शन से समझ लेते हैं ठीक है उसके बाद आपको तो पता ही है कि आज समझेंगे फिर क्वेश्चंस बनाएंगे तो ईच एंड एवरी थिंग लेक क्या होता है झील क्या है एशिया में क्या है जितनी भी चीज़ें हैं उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी एस एस सी का एग्जाम चल रहा है सीजीएल के एग्जाम में एक चीज देखा है मैंने कि अब वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है।, है ना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्यों ना हम पहले ही तैयार हो जाएं क्यों ना हम पहले ही रेडी हो जाएं कि भाई आज सी में वर्ल्ड जोग्रफी से क्वेश्चन है कल को ऐसा सी जेई में वर्ल्ड जोग्राफी से क्वेश्चन आ जाएगा तो हाँ हम पूरे तरीके से तैयार रहेंगे बोल रहे पूरा पढ़ाएंगे कि पूरा पढ़ाएंगे तो हम दोनों ही पढ़ा देंगे पूरा और पूरा दोनों ही पढ़ा देंगे ठीक है चलिए तो एशिया बिना कोई डिले के स्टार्ट करते हैं बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है क्योंकि आज हम घूमने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े महा द्वीप में जो कि वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है अफ्रीका नहीं है नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। एशिया है एशिया जो है वो दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसका एरिया है फोर्टी फोर लाख यहां पे देखिए कितना बाप रे कितना ज्यादा है यार लाख तो यहीं यही जाएगा अच्छा यानी कि इसका स्क्वायर किलोमीटर देख रहे हो आप लोग इसका स्क्वायर किलोमीटर देखिए कितना ज्यादा है तो ये बेसिकली दो बार चार तीन बार चार और सौ है कैसे पढ़ेंगे इसको किसी को कोई आइडिया है क्या क्या ये चार करोड़ फोर्टी फोर लाख फोर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर है हाँ ये इतना स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरे धरती का एट पॉइंट एट पॉइंट एट परसेंट एरिया को कवर कर रहा है 8.8 परसेंट एरिया अच्छा थी मैम की लाडली हाय रे बच्चा बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में बिल्कुल आप मेरी लाडली हैं है ना तो ये कितना कवर कर रहा है 8.8 परसेंट ऑफ द अर्थ दुनिया का 8.8 परसेंट कवर कर रहा है समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है मैप देखना है कोई बात नहीं अभी मैप भी दिखाएंगे और दुनिया में आज देखो सुन लो आठ बिलियन पॉपुलेशन हो गया है वो जमाना गया कि जब हम सात बिलियन थे अब हम आठ बिलियन है और आधी आबादी भारत मतलब एशिया में रहती है भारत में नहीं बाप भारत में नहीं एशिया में रहती है जो कि आधी आबादी यानी कि ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट दुनिया का पॉपुलेशन एशिया में है ठीक है इट इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन रिलीफ टेम्परेचर वेजिटेशन एंड पीपल ऑल्सो तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं टेम्परेचर भी अलग अलग है कहीं बहुत ठंडा है कहीं बहुत ज़्यादा है अ कहीं बहुत गर्मी है तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लोग रहते हैं आप लोग भी अलग अलग प्रकार के हैं जब अलग अलग प्रकार के लोग एक क्लास में रहते हैं तो इतना बड़ा तो हमारा कॉन्टिनेंट है तो इसमें तो अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे ही अच्छा वैसे सेशन को लाइक और शेयर करना है ओके ठीक है तो एक बार ग्रुप में सेशन को डाल दिया मैंने अब देखिए ये है प्यारा सा एशिया एशिया में हमारा सबसे प्यारा सा देश है इंडिया तो ये एशिया जो है इसमें रशिया है कजाकिस्तान है मंगोलिया है चाइना है इंडिया है यमन है ओनम है ओमान है सऊदी अरेबिया है और बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे हैं राइट बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई ये बात नेक्स्ट आप देखें तो आइए एक एक करके समझते हैं एशिया के एशिया इज टू द ईस्ट ऑफ स्विज कैनाल यानी कि अगर यहाँ पे स्विज कैनाल आप लिखेंगे कि चलिए मैम यहाँ पे स्विज कैनाल है तो इसके ईस्ट में आपका एशिया है ठीक है और यूराल रिवर एंड द यूरल माउंटेन ठीक है तो यहाँ पे आपका यूराल रिवर हो गया और यूराल माउंटेन हो गया ये भी ठीक है एंड साउथ ऑफ कॉकस माउंटेन तो एक कॉकस

ठीक है तो यहाँ पे क्या है पैसिफिक ओशन है इस साइड क्या है एशिया के पैसिफिक ओशन है ऑन द साउथ बाय द इंडियन ओशन एशिया के साउथ में क्या है इंडियन ओशन है ये भी बात सही है एंड ऑन द नॉर्थ बाय अंटार्कटिक बाय आर्कटिक ओशन तो इसके नॉर्थ में क्या है आर्कटिक ओशन है तो आइए मैप में हम लोग देख लेते हैं सब चीजें ठीक है तो ये हमारा एशिया का फिजिकल पॉलिटिकल मैप हो गया जिसमें सारी कंट्रीज मैंशनड है फिर नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपका एशिया है पूरा है ना इसमें सिक्सटी परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है एशिया में ठीक है तो ये सब चीजें हमने समझी साथ ही साथ अब हमको ये समझना है कि द अर्थ हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट आर बोथ इन एशिया सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट और सबसे नीचा डेड सी का शोर ये दोनों आपका एशिया में है यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे नीचा तो माउंट एवरेस्ट भी आपका एशिया में है और डेड सी भी आपका एशिया में है सबसे ऊंचा और सबसे नीचा क्लियर है समझ में आई बात चले तो ये आपको बार बार मैं दिखा रही हूं देख लो यार एशिया का मैप अच्छे से देख लो ठीक है रीजनल डिवीजन अब रीजनल डिवीजन में हम लोग बेसिकली एशिया को छः रीजनल डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं पहले आता है हमारा सेंट्रल एशिया तो सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं देखिए यहाँ पे तो सेंट्रल एशिया में आपको ये वाला एरिया दिखेगा उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारे कंट्रीज आपको यहाँ पे दिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये पांच है तो इसको मैं टुक टुक बोलती हूँ से तुर्कमेनिस्तान यू से किर्गिस्तान तो ईस्टर्न टुक टुक तो एशिया तो में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन जहाँ पे चाइना वगैरह सब है तो ये पोर्शन तो में आपको दिखेगा कि चाइना है हॉगकॉन्ग है जापान है नॉर्थ कोरिया है साउथ कोरिया है मकाऊ है मंगोलिया है ताइवान है फिर आता है नॉर्थ एशिया तो नॉर्थ एशिया में देखिए यहाँ पे आपको रशिया दिख रहा है है ना तो रशिया में तो नॉर्थ एशिया में आपको क्या दिखेगा रशिया है फिर साउथ ईस्ट एशिया में ये जो एशियान देश है अब एशियान देश में एक और नया देश आ गया है ईस्ट टाइमोर है ना ईस्ट इस टाइमोर इसको भी याद रखियेगा तो इसमें आपका आ गया बुनई आ गया म्यांमार आ गया कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया फिलिपींस सिंगापुर थाईलैंड टाइमोर लेस्ते और वियतनाम तो ये कहां पे है ये इस पोर्शन में ये वाला पोर्शन आपका ईस्ट एशिया का पोर्शन हो गया साउथ ईस्ट एशिया का ठीक है तो हमने नॉर्थ देख लिया हमने सेंट्रल देख लिया ईस्ट देख लिया और साउथ ईस्ट भी देख लिया तो इंडिया किस में आया इंडिया तो लगता है साउथ में आ गया अच्छा तो ये सब देख लिया देखो ये मैप गलत बना हुआ है ठीक है जब भी आपको ऐसे मैप्स दिखेंगे तो इस मैप को आप करेक्ट कर दीजिएगा ये वाला पीओके जो है वो इंडिया के अंदर है और स्काई चीन भी इंडिया के अंदर है तो इस मैप को हमेशा ऊपर में ऐसे हार्ट शेप में है तो इसको सही आप लोग कर दीजिएगा गूगल वगैरह में सही मैप नहीं देखते हैं कोई बात नहीं चले तो अब साउथ एशिया में आप देखेंगे साउथ एशिया में सऊदर्न एशिया में तो ये सात देश हैं सात देश हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन तो इसमें अफगानिस्तान है बांग्लादेश है भूटान है इंडिया है मालदीव है नेपाल है पाकिस्तान है और श्रीलंका है ठीक है तो यहाँ पे ये वाले जो देश हैं ये जो देश आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सारे देश आपके साउथ एशिया के हैं चाइना नहीं होगा इसमें इंडिया है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है बांग्लादेश है मलेशिया है मतलब मलेशिया तो नहीं है मालदीव है और श्रीलंका है ठीक है फिर आ गया वेस्टर्न एशिया तो वेस्टर्न एशिया में जो अरब देश हैं जैसे कि आर्मेनिया अजरबैजान बहरीन साइप्रस जॉर्जिया ईरान इसराइल जॉर्डन कुवैत लेबिनन ओमान पैलेस्टाइन कतर सऊदी अरेबिया सीरिया तड़की यूएई यमन ये सारे देश आपके इस वेस्टर्न एशिया में तो हमने नॉर्थ देख लिया हमने सेंट्रल देख लिया हमने वेस्टर्न देख लिया हमने साउथ देख लिया हमने ईस्ट देख लिया और साउथ ईस्ट एशिया भी देख लिया तो एक दो तीन चार पाँच छः छः रीजनल डिविजन्स हमने एशिया के देख लिए हैं ठीक है तो एशिया ये हमारा हो गया जिसमें इंडिया का मैप फिर से गलत बना हुआ है बार बार उसको करेक्ट करना पड़ता है यार ठीक है हाँ तो हमने पूरा एशिया का मैप देख लिया है और एशिया के रीजन को भी समझ लिया है अब हम देखेंगे कि एशिया को हम लोग और कैसे डिवाइड कर सकते हैं तो एशिया को अगर हम फिजिकली डिवाइड करें तो पहले नॉर्थ में लो लोलैंड हैं ठीक है नॉर्थ इसका लो लैंड का बना हुआ है सेंट्रल सेंटर में माउंटेन्स बने हुए हैं सेंट्रल एंड सर्दर्न प्लेटियो बने हुए हैं ठीक है पेनसुलाज है डेजर्ट्स हैं ग्रेट रिवर्स हैं और आइलैंड के ग्रुप्स हैं तो आइए हम लोग देखते हैं कि लोलैंड कौन है माउंटेन कौन सा है प्लेटियो कौन सा है पेनिनसुला डेजर्ट रिवर्स और आइलैंड्स कौन, कौन से बने हुए हैं तो ये देखिए एशिया का मैप है हमारा और अब हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ आपके लोलैंड है ठीक है तो ये लोलैंड यानी कि जहां पे नदियां बहती हैं तो एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं जहाँ पे नदियाँ बहती हैं और कंप्राइज ऑफ सेवरल पैचेस ऑफ लो लैंड ठीक है यहाँ पे लो लैंड्स हैं ऑफ़ दिस लार्ज कॉन्टिनेंट्स जैसे कि सर्ब सर्बियन प्लेट है तो साइबेरियन है ये कहाँ से कहाँ पे है ये यूराल माउंटेन इन द वेस्ट है यहाँ पे क्या है यूराल माउंटेन है ठीक है और यहाँ पे सर्बिया आपका दिखेगा आपको सर्बिया यूराल माउंटेन ऐसे एशिया और यूरोप को अलग भी करता है एंड रिवर लीना इन द ईस्ट तो यहाँ पे कौन सा रिवर है लीना रिवर है ईस्ट में ठीक है उसके बाद इट इज द लार्जेस्ट लो लैंड इन द वर्ल्ड कवरिंग एन एरिया ऑफ कवरिंग एन एरिया ऑफ ये देखिए बारह लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को यह कवर कर रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा लो लैंड लो लैंड यानी कि जहां नदियां बहरी है ठीक है लो लैंड कहा है यह है आपका ग्रेट सर्बियन प्लेन में है ना दुनिया का सबसे बड़ा लो लैंड यहीं पर है तो ये आपको सर्बिया दिख रहा है और सर्बिया में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये देखिए यूराल माउंटेन कहाँ है यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर बनाता है ये यूराल माउंटेन है ये हो गया आपका रशिया ठीक है ये आपका रशिया हो गया साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सर्बिया सर्बियन प्लेन आपको दिख रहा है और ये है रिवर लेना ठीक है ये है रिवर लेना तो यहां से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से ये यह सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऊपर में आपको दिख रहा है कि एशिया के नॉर्थ में क्या है आर्कटिक क्वेश्चन है एशिया के नॉर्थ में क्या है आर्कटिक क्वेश्चन है समझ में आ रहा है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैपिंग सीरीज बहुत सीरियसली लेंगे आप लोग है ना तो यहाँ पे लो लैंड में आपको देख रहा है कितनी सारी नदियां बह रही हैं और सबसे ईस्ट में इसकी नदी है लेना और सबसे वेस्ट में यूराल माउंटेन है यूराल नाम की नदी भी बहती है ये रशिया के साइबेरियन प्लेन के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे मंचूरियन प्लेन तो मंचूरियन प्लेन में क्या है कि मंचूरियन प्लेन में बेसिकली इट इज द एरिया एट ज्वाइनिंग अमूर अमूर रिवर कौन सी रिवर ए आर अमूर रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना ठीक है न पार्ट ऑफ चाइना एंड एन एरिया ऑफ वन लाख पैंतीस हजार स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर माइल्स ये यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली तो ये है बेसिकली मंचूरियन मंचूरियन प्लेन है मंचन प्लेन आपको दिख रहा है कौन सा है चाइना का जो सबसे ईस्टर्न पोर्शन है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं मंचूरियन प्लेन कह रहे हैं तो अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा चाइना के जो ईस्टर्न पोर्शन को हम मंचन प्लेन कह रहे हैं यहाँ पे देखो नॉर्थ कोरिया है साउथ कोरिया है ये है आपका येल्लो सी ये देखिए जीजू आइलैंड्स ये भी बहुत न्यूज में रहता है ये आपका ईस्ट सी है ठीक है यहाँ पे आपका जापान है पूरा आज मैप हम लोग पूरा आज स्थिर हो गए एशिया के, के मैप को देख लेंगे फिर आप देखिए कि प्लेन ऑफ चाइना चाइना भी है चाइना में कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है चाइना की कुछ नदी इंपॉर्टेंट है जैसे हुआंग हो नदी हुआंग हो यांगजे नदी ठीक है हुआंग हो नदी यांगजे नदी अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको चाइना का मैप दिख रहा है ठीक है तो बेसिकली ये एशियन मैप है अब यहां पे ये माउंट एवरेस्ट आपको दिख रहा है ये आपको गंगा का प्लेन दिख रहा है गोभी डेजर्ट यहां पे है ये गोभी डेजर्ट है राइट सब कुछ दिख रहा है आपको यहां पे चाइना का मैप पूरा अब देखें यहां पे आपको यांगजे नदी दिखेगा यांगजे नदी यहां पे है है ना यांगजे नदी देखा ठीक है क्लियर है यस यहां पे कौन सा शहर है हांगकॉन्ग शहर है ठीक है यहाँ पे कौन सा शहर है हांगकांग शहर है यस ओके गाइस एक बात बताओ समझ में आ रही है सारी जो मैप्स हम देख रहे हैं मैप के थ्रू आज पूरा एशिया को पढ़ने वाले हैं हम लोग गाइज आपस में बात मत कीजिए प्लीज ठीक है ये सारे कमेंट्स आप लोग यू डोंट नीड टू डिस्कस दीज थिंग्स ओके हाँ ओके चले नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे एक और नदी है ये कहां पे ये इराक के पास है ये इराक के पास इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं ये है आपकी टिग्रेस टिग्रेस और यूफे या टिग्रेस यूफेरेटस नदी कहते हैं इसको ठीक है तो टिग्रेस और यूफेरेटस नदी आकर मिल जाती है पर्शियन गल्फ में जाती है ये है ना टिग्रेस और यूफेरेटस रिवर यहाँ पे मिलती है फिर गंगा के प्लेन के बारे में आप जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो गंगा नदी जो है वो गंगो जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसको हम लोग अभी देख रहे हैं गंगोत्री से निकलती है ठीक है गंगोत्री से निकल कर ये बे ऑफ बंगाल तक चली जाती है ठीक है बे ऑफ बंगाल तक ये गंगोत्री से निकल के जाती है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है गंगा नदी के बारे में राइट नेक्स्ट आप देखिये इरावदी नदी तो इरावदी नदी कहाँ पे बहती है ये भी पूछा जाता है इरावदी नदी म्यांमार में बहती है है ना इरावदी नदी कहाँ पे बहती है तो ये म्यांमार में बहती है बहुत लोगों को लगता है इरावदी नदी इंडिया में बहती है नहीं ये म्यांमार में बहती है ठीक है यस नेक्स्ट आप देखें अब हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया हमारे लो लैंड्स के बारे में जहां पे नदियां थी अगर अगर अब हम बात कहाँ करेंगे अब हम बात करेंगे माउंटेन्स के बारे में तो सेंट्रल माउंटेन जो है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है और एक्सटेंसिव माउंटेन है ये आपका सेंट्रल एशिया में मिलते हैं ठीक है यहाँ पे क्या है पामिर नॉट है पामिर नॉट यानी कि जहाँ सारे माउंटेन आकर मिल जाते हैं और तियान शान है तियान शान क्या है तियान शान रेंजेस है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे अफगानिस्तान चाइना कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान किर्गिस्तान के जो कंट्रीज है वो यहां मिलते हैं ये माउंटेन जो है वो बहुत बड़े बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं हॉटस्पॉट है, है यहाँ पे कंजर्वेशन इंटरनेशनल है यानी कि बहुत सारे यहाँ पे पर्यावरण के संरक्षित जगहें हैं यहाँ पे और एल्पाइन इकोसिस्टम भी है एल्पाइन इकोसिस्टम भी है सेंट्रल एशिया का ठीक यस एल्पाइन इकोसिस्टम भी है सेंट्रल एशिया का सेंट्रल माउंटेन सेंट्रल माउंटेन में सेवरल हैबिटेट्स हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको ग्रासलैंड भी मिल जाएगा और श्रब्स भी मिल जाएंगे जैसे घास है तो बहुत छोटे हो गए उससे थोड़े बड़े हो गए तो श्रब हो गए फिर आपको फॉरेस्ट भी मिल जाएगा एल्पाइन तुंदरा भी मिल जाएगा ठीक है फिर एक माउंटेन नॉट है माउंटेन नॉट क्या होता है कि ये जंक्शन होता है यानी कि दो या दो से अधिक माउंटेन आकर यहाँ पे मिलते हैं है ना तो पामिर नॉट जो है वो जंक्शन है कितने माउंटेन्स का पांच अलग अलग माउंटेन का क्या हाँ फाइव अलग अलग माउंटेन का है जैसे कि हिंदकुश एक माउंटेन हो गया कुनलून काराकोरम हिमालयन माउंट रेंजेस माउंट एवरेस्ट हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड तो देख रहे हैं आप हिंदकुश काराकोरम हिमालयन माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है सुलेमान रेंजेस तो पामिर नॉट पांच अलग अलग माउंटेन रेंजेस का आकर यहाँ पे मिलन होता है जंक्शन होता है इसी को हम लोग कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड ठीक है रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है क्लियर चलें नेक्स्ट फिर है द आर्मेनियन नॉट आर्मेनियन नॉट यानी कि यहाँ पे भी सारे माउंटेन्स आकर मिल जाते हैं तो आर्मेनियन नॉट इज कनेक्टेड टू पामिर नॉट बाई एल्ब्रज ठीक है और और जैगरॉस रेंजेस तो यहां पे भी क्या है कि ये पामिर नॉट से कनेक्टेड है आलब्रस और जैगरॉस रेंजेस द्वारा अभी हम सारा मैप में दिखाएंगे और यहाँ पे देखिए तीन शाह और अलचाई माउंटेन्स भी हैं फाइन तो यहाँ पे आप देखो यस माउंटेन्स को आप समझिए अच्छे से पहले पूरा समझ जाइए अच्छे से यहां पे है आपका आपका पामिर नॉट ठीक है और ये आपका हिंदकुश है काराकोडम रेंजेस यहाँ पे हैं और बाकी सारे माउंटेन्स ऐसे यहां पे देखिए किर्गिस्तान में ये तेन शाह तेन शान है तो सारे माउंटेन्स क्या हो रहे हैं आके यहां पर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं सारे माउंटेन्स सारे माउंटेन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इसीलिए इसको पामिर का नॉट कहते हैं एन ओ टी नॉट कि सबको आकर यहाँ पे एक जगह मिल जा रहे हैं है ना ठीक है तो अब इसी चीज को यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ये तेन शाह ये किर्गिस्तान का है एल्टाई माउंटेन्स है कुनलून माउंटेन है काराकोरम माउंटेन है हिमालयन माउंटेन है सुलेमान रेंजेस है एलब्रस है हिंदकुश है और ये सब आकर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है पामिर नॉट कहा जा रहा है पामिर नॉट कहा जा रहा है एल्ब्रस हो गए एलचाई माउंटेन हो गए कुल माउंटेन हो गए सुलेमान माउंटेन हो गए हिमालयन माउंटेन हो गए काराकोडम रेंजेस हो गए तेंशान शान हो गया जैगरोज हो गया है ना तो ये सब आकर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं इसीलिए इसको पामिड का नॉट कहते हैं समझ में आ गई बात अब देखिए जो पीक्स इंपॉर्टेंट है एशिया में उसको आप समझिए माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा है नेपाल तिब्बत चाइना के बॉर्डर पे है ठीक है उसके बाद केटू है जो कि लिखा है पाकिस्तान चाइना लेकिन इंडिया ही मान लो ठीक है तो ये इंडिया में है उसके बाद कंचनजंगा है जो कि आप जानते हैं कि ये नेपाल सिक्किम के बॉर्डर पे है फिर आपका लोत्से है ये आपका नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पे है मकालू है और फिर आपका चोयू है ये सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं एशिया में ठीक है तो यहाँ पे आप सारे माउंटेन्स को देख सकते हैं ये सारे पामिर नॉट्स की जगह हैं जहाँ पे देखिए पामिर नॉट में हिंदकोश आ गया काराकोरम आ गया कुल्लून आ गया तेन शाह आ गया एल्टाई आ गया तो ये रेंजेस हैं ये सारे रेंजेस हैं और अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने पीक्स पढ़ा कि इन रेंजेस में कौन कौन से ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं ठीक है चलिए आज हम बोर्ड के साइड ही खड़े हैं क्योंकि आज इंपॉर्टेंट है बोर्ड को देखना मैप को देखना फिर आता है प्लेटियो प्लेटियो क्या होता है प्लेटियो क्या होता है देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है साइबेरियन का प्लेन साइबेरिया प्लेन प्लेन का मतलब है मैदानी क्षेत्र जिसमें नदियाँ होती हैं फिर हमने क्या पढ़ा फिर हमने पढ़ा माउंटेन्स ठीक है तो माउंटेन रेंजेस पढ़ा ठीक है माउंटेन रेंजेस पढ़ा फिर हमने क्या पढ़ा है कि ना माउंटेन ना प्लेन अब हम ऊंचा रखेंगे लेकिन ऊपर का कट रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे पठारी क्षेत्र कहेंगे तो एक इसको ऐसा समझा मैं सो बेसिकली द हाईलैंड ऊपर ही रहेगा लेकिन ऊपर का चीज जो है वो इस तरह से रहेगा और इसको हम लोग प्लेटियो कहेंगे प्लेटियो ठीक है इसको हम लोग प्लेटियो कहेंगे फाइन ओके नेक्स्ट तो नेक्स्ट यहाँ पे प्लेटियो कहेंगे तो प्लेटियोज को भी आप देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपका लॉरेशियन प्लेटियो है उसके बाद आपका यहाँ पे जॉस प्लेटियो है मारा प्लेटियो है इरानियन प्लेटियो है डेकिन प्लेटियो है प्लेटियो ऑफ तिब्बत है स्पेनिश प्लेट्यू है ये सारे आपके प्लेट्यूज हैं प्लेट्यू का मतलब क्या हुआ कि ये हाईलैंड रहेगा लेकिन ऊपर से ये कट रहेगा तो ये पठारी क्षेत्र रहेगा ये प्लेट्यू होगा फाइन प्लेट्यू होगा अंडरस्टूड तो ये सारे प्लेट्यूज हैं एशिया के अब बात आता है पेनिनसुला पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा लैंड का टुकड़ा लैंड का टुकड़ा जो कि एक्चुअली सी से कनेक्टेड हो मतलब सी से तीन साइड से बॉर्डर हो जैसे कि ये हो गया बे ऑफ बंगाल यहां पे तो बे ऑफ बंगाल है नहीं वैसे ये हो गया अरेबियन सी यो हो गया बे ऑफ बंगाल और नीचे हो गया इंडियन ओशन ठीक है तो ये तीनों साइड क्या है पानी से कनेक्टेड है तो बेसिकली यही बात है कि अब पेनिनसुला इज अ मास ऑफ लैंड जो कि तीन साइड पानी से कनेक्टेड हो डेकिन प्लेट्यू जैसे कि भारत में है अरेबियन प्लेट्यू या मलाय प्लेट्यू ये काम चेटका प्लेट्यू ये सब क्या है तीनों साइड पानी से कनेक्टेड है तीनों साइड पानी से कनेक्टेड है और एक साइड या इसका लैंड से कनेक्टेड है फाइन क्लियर है गाइस तो आप देखिए जितने भी प्लेट्यूज है उसको हम देख लें तो बेसिकली यहां पे आपको दिख रहा होगा ये अलास्का प्लेट्यू है ये लैब्रेडोर प्लेट्यू है ये ियन प्लेटियो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये भी प्लेटियो है अरेबियन पे दिख रहा है आपको ये स्कैंडवियन प्लेटियो है यह बाल्कन प्लेटियो है ये इंडो चाइना प्लेट्यू है है ये कामचेट का प्लेटियो है तो सारे प्लेटियोज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं प्लेटियो मतलब पेनिनसुला दिख रहे हैं पेनिनसुला का क्या मतलब हो गया पेनिनसुला यानी कि तीनों साइड ये पानी से कनेक्टेड है ठीक है तो ये तीनों साइड पानी से कनेक्टेड है यस अब बात आता है इस्थमस का तो इस्थमस क्या होता है देखिए ये लैंड का टुकड़ा है जो कि इस लैंड को इस लैंड से कनेक्ट कर रहा है तो जो लैंड का टुकड़ा दो लैंड मार्सेस को कनेक्ट करे वो इस्थमस होता है है ना और जो पानी का टुकड़ा दो लैंड मार्सेस को सेपरेट करे जैसे ये लैंड मास को इस लैंड मार्स से कनेक्ट सेपरेट किया जा रहा है तो वो स्ट्रेट होता है तो अगर लैंड जो है वो लैंड को कनेक्ट करे दूसरे लैंड से तो वो इस्थमस और अगर लैंड को लैंड से सेपरेट करे पानी का टुकड़ा तो वो स्ट्रेट क्लियर है इस्थमस और स्ट्रेट में डिफरेंस समझ में आ गया है ना लैंड का टुकड़ा जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट करे और जो वाट दो वाटर मासेस को सेपरेट कर दे अंडमान को इससे सेपरेट कर रहा है तो वो हो इस गया इस्थमस और जो पानी का टुकड़ा दो लैंड को सेपरेट करे और दो वाटर मासस को कनेक्ट करे वो हो गया स्ट्रेट तो स्ट्रेट को हम जल संधि भी कहते हैं जल संधि कहते हैं और इसको हम थल संधि कहते हैं क्योंकि थल की संधि बना रहा है स्थमस है ना तो स्थमस जो है वो थल संधि है और जल संधि जो है वो स्ट्रेट क्लियर गाइज हो सकता है कि थ्योरी क्लास में आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो लेकिन यकीन मानिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बोरिंग लग रहा है कोई बात नहीं थोड़ा देर बोर हो जाइए लेकिन अब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लीजिएगा फिर है कि एशिया है सम बिग डेजर्ट जैसे कि गोभी डेजर्ट है टकला मकान है थार डेजर्ट है काराकोरम है रूब अल खाली डेजर्ट है तो रूब अल खाली डेजर्ट माना जाता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सैंड सी है यानी कि रेत वाला डेजर्ट सबसे बड़ा रूब अल खाली डेजर्ट है ठीक है और ये इतना एरिया कवर करता है कि फ्रांस से भी ज्यादा ये इसका एरिया है एरिया लार्जर देन फ्रांस अक्रॉस सऊदी अरेबिया ओमान एंड यू एंड यमन, तो ये सारे चार कंट्री को मिला के सऊदी अरेबिया यू यमन और ओमान को मिलाकर ये रूब खारी डेजर्ट कवर कर रहा है ठीक है तो बाकी आप डिजर्ट देख सकते हैं अरेबियन डेजर्ट है थार डेजर्ट है काराकुम डेजर्ट है, कारा है। एशिया में आपको गोभी डेजर्ट दिख रहा है तो ये सारे डेजर्ट्स हैं और एक जो रूबल खाली मतलब यहां पे आपको दिख रहा है जो रूबल खाली ठीक है रूब अल खाली डेजर्ट ये आपका कौन कौन से को मिला रहा है सऊदी अरेबिया को मिला रहा है किस से तो यमन से सऊदी अरेबिया यमन ओमान और यूएई ये चारों कंट्री को मिलाकर ये रूबल खाली डेजर्ट है जो कि फ्रांस के एरिया से ज्यादा है ठीक है गाइज नेक्स्ट है आइलैंड ये लास्ट टॉपिक है आज का आइलैंड तो देखिए एशिया में बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं। एशिया है, है क्लस्टर और इनको जब क्लस्टर ऑफ आइलैंड होते हैं तो इनको आर्ची पेलागो कहते हैं है ना आर्ची में आइलैंड का ग्रुप होता है जैसे कि आपका कौन कौन सा ग्रुप हो गया इंडोनेशिया हो गया फिलिपींस हो गया जापान हो गया अंडमान एंड निकोबार हो गया तो इसको देख लेते हैं आइलैंड देखिए बहुत सारे आईलैंड हैं यहां पे है ना तो यहां पे आपको दिख रहा Malaysia है ये मलेशिया है मलेशियन आइलैंड है मतलब मालदीव है मलेशिया and है इंडोनेशिया है अंडमान एंड निकोबार है यहां पे इतने सारे आइलैंड हैं तो आइलैंड यानी कि जो चारों साइड से पानी से ढका हो तो इसको हम आइलैंड्स कहते हैं ठीक फिर आती है नदियां तो नदियों के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है तो नदियों के बारे में आप देख लीजिए कि बहुत बड़े बड़े नदियां भी हैं यहाँ पे जैसे कि जो नदी पैसिफिक ओशन में जाती हैं तो यहाँ पे हुआंग हो अमूर या ज्यांगजिंग चैंगजिंग ये सब जो है पैसिफिक ओशन में जाती हैं कुछ नदियाँ इंडियन ओशन में जाती हैं कुछ नदियां अंटार्कटिक ओशन में जाती हैं तो यहाँ पे यांगजे और मेकोंग आपको दिख रही होगी ठीक है तो ये है मेकोंग नदियां ये यांगजे नदी है येलो नदी है जिसको आप हु नदी भी कहते हैं आमूर रिवर है आमूर रिवर्स हैं ठीक है ठीके? ये इंदस रव रिवर है जो कि आपके अरेबियन सी में जाती है और ये आपकी ब्रह्मपुत्र और गंगा है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है अरेबियन और बे ऑफ बंगाल दोनों पार्ट है इंडियन ओशन का ठीक है ये दोनों पार्ट है इंडियन ओशन की तो ये सारे रिवर्स हैं साथ ही साथ आपको सी भी दिख रहे हैं तो सी है बहुत सारे है, जैसे येल्लो सी है ठीक है लेकेड सी है सी ऑफ जापान है सी ऑफ ऑक्टस है ठीक है कारा सी है जावासी है ये सारे सीज हैं, जो आपके यहाँ पे आपको दिख रही है राइट गाइज यस सो दीज और आर द सीज फिर आता है लेक तो लेक का भी मैप हम देख लेते हैं तो लेक में आप देखो यहाँ पे लेक में लेक उमारी उर्मिया है उर्मिया लेक ठीक है बालकाश लेक है उसके बाद आपका कोकू है लेक बैकाल है ये सारे आपके लेक्स हैं एशिया के ना? फिर है फ्रेश वाटर के लिए अगर आप देखेंगे तो फ्रेश वाटर में वही रिवर्स की बात है जितने भी रिवर्स हैं वो आपके फ्रेश वाटर हो गए फिर सॉल्ट वाटर ठीक है अब ये लास्ट चीज जो स्ट्रेट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है तो ये आपका होमवर्क है जो आपको याद रखना है तो इस तरह से अब एक एक कॉन्टिनेंट को हमको पढ़ना पड़ेगा जैसे कि हमने एशिया पढ़ा वैसे अफ्रीका वैसे यूरोप और जितने मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो ओवरऑल आपका यहाँ से टच हो जाएंगे ठीक है अगर लग रहा है कि मैम बेसिक्स भी तो देखने हैं हमें पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बाकी बेसिक्स की क्लासेस भी आपकी चल रही है कंटिन्यूसली वो आपकी ऐप आप पे क्लासेस चल रही हैं होपफुली आपने ऑलरेडी इनरोल करवा लिया होगा आपने आपको क्योंकि जो आपके एम के पोर्शन होते हैं वो तो हम यहाँ से कर लेते हैं लेकिन जो बेसिक की क्लासेज हैं वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके बिना तो काम चलेगा नहीं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप सिंपली यहाँ पर गूगल में आ सकते हैं जैसे ही आप गूगल में आते हैं तो गूगल पे क्लिक करते ही आप अडर ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर हैं क्योंकि शायद अगर अभी तक आपने अपने आप को ऐप के ऐप के लॉन्च मतलब जो कोर्सेज है उसमें लॉन्च नहीं हुए हैं आप आपने अपने आप को इनरोल नहीं करवाया है तो आप जल्दी से इनरोल करवा लीजिए क्योंकि बेसिक ही क्लासेज ऑलरेडी स्टार्टेड हैं अगर आपका एक दो क्लास मिस हुआ है कोई बात नहीं उसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देंगे या फिर हम आपको एक लाइव क्लास भी दे देंगे ठीक है वो डिपेंड करता है आपके डाउट्स पर लेकिन अगर एक दो दिन के से ज़्यादा अगर मिस होने लगेगा तो इशू होगा तो इसके लिए आज आपको इसमें इनरोल कर लेना है अपने आप को ये पूरा आपका गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम का पोर्टल है यहाँ पे एसएससी, डब्ल्यूबी, सी पीएससी, है ना सारे स्टेट के ए और जेई है वो एस एस जेई है तो अगर आप एस एस सी जेई दो की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने बैचेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं मेन के लिए भी है एक बैच सिविल का ठीक है तो बैचेज में आप इनरोल करके तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए अगर आपने डिप्लोमा या बी किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है मैकेनिकल से किया है सिविल से किया है तो आप वाई थ्री थ्री टू कोड यूज़ करें और यहाँ पे टू एट सेवन फोर रुपीज़ में आप अपने आप को इसमें इनरोल करवा सकते हैं ये एस एस सी जेई का आपका बैच है साथ ही साथ अगर आप इस सेक्शन में जाते हैं आप इंजीनियरिंग महापैक में जाते हैं तो सबसे बेहतरीन तो ऑप्शन यही है कि आपके पास महापैक हो चाहे मैकेनिकल का हो सिविल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो फॉर एग्जाम्पल आपको मैकेनिकल का है ठीक है मैकेनिकल में आपने क्लिक किया पंद्रह हजार नौ सौ निन्यानवे का है अगर हमने कोड यहाँ पे यूज किया वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कर दिया तो ये थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन का है इसमें आपको पूरा नॉन टेक और पूरा टेक का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा मेरी क्लास रोज सुबह नौ बजे होती है कल क्वेश्चन लाए, लाएंगे बिल्कुल है ना और अच्छे से पढ़ाई कीजिए कहीं कोई डाउट होगा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए सेशंस में अब और कभी कभी जब हम आपको थ्योरी क्लास दे रहे हैं ना तो उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि थ्योरी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बात आप नहीं समझ रहे हैं कि थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर कब किया जाता है जब पढ़ाई हो चुकी हो जब करने के लिए अब ज्यादा चीज़ें हैं नहीं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कीजिए लेकिन अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए आराम से पहले बैठ के कंसेप्ट तो पढ़िए अभी देखिए यूट्यूब पर हम लोग इतने सारे मिसलेनियस टॉपिक कर रहे हैं सेंसर्स पढ़ लिया हमने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लिया हमने उसके बाद हम अब मैप्स पर आ गए हैं मैपिंग को कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं हिस्ट्री हो गया जियोग्राफी हो गया पॉलिटी हो गया जो बेसिक चीजें हैं उसको आप समझिए और उसको आप कवर कर लीजिए अपने पेड क्लासेस में ठीक है पेड क्लासेस यानी कि जो आपके ऐप आप पे क्लासेस होते हैं उसमें ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे थैंक यू